मैं यशवंत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगारपुर पर। आपने जैसा कि देखा, मैंने आपको अपने मैथ्स के अंदर टॉपिक्स कराए, मींस आपके कई चैप्टर हैं, दो चार चैप्टर जो भी हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आपका जो चैप्टर है यानी जो टॉपिक है, और पहली बात आपको ये बता दें कि जो आपका बैच चल रहा है वो चल रहा है आपका आरंभ बैच। कौन सा बैच चल रहा है? आरंभ बैच। इस आरंभ बैच के अंतर्गत ही आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। आरंभ बैच इसलिए क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसका आरंभ किया जाता है, शुरुआत की जाती है एक अच्छे तरीके से। तो वही अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है आप लोगों के लिए, और बेसिक, पूरा बेसिक, जो भी बेसिक है आपका वो सब इसमें लिया गया है, यानी कराया है आपको पूरा बेसिक जितना भी है। ठीक, आपको कोई भी ऐसा बेसिक नहीं रह जाएगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं, चैप्टर का नाम है आपका घातांक एवं करणी। क्या है? घातांक एवं करणी, जिसे इंडिसेस एंड सर्ट्स कहते हैं। क्या है? इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक, ये चैप्टर जो है वो आपका बेहद इंपोर्टेंट चैप्टर है, यानी बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये वाला टॉपिक जो है वो आपका यूपीएसआई में इसके क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं, बैंक में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। यानी जो भी आपकी जॉब पीरियड है, यानी जॉब के लिए जो भी आपकी जॉब्स हैं, उनमें ज्यादातर एग्जामों में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। क्लियर है? तो यानी ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज के लिए और एक तरीके से अच्छे तरीके से सिखाने के लिए चैप्टर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चैप्टर है आपका घातांक एवं करणी। अब पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा के चलता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है घातांक। क्या है? घातांक। पहली बात तो यही करते हैं कि आखिर घातांक और करणी में अंतर क्या है। नाम, एक जो नेम है चैप्टर का वो थोड़ा अटपटा सा है, घातांक एवं करणी। तो इसलिए हमें पहले घातांक का पता होना चाहिए, घातांक क्या है, और करणी का भी पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? करणी का। ठीक, करणी क्या होती है? तो देखिए, बात यही करते हैं हम घातांक की। किसकी बात करते हैं? घातांक की। तो घातांक, घातांक क्या होता है? घातांक क्या होता है? जैसे यदि मैं 2 की पावर 5 कर दूं, 3 की पावर 2 कर दूं, है ना, 2 की पावर 6 कर दूं इस प्रकार से, या मान लो 5 की पावर 2 कर दिया। यदि किसी भी, ये आपको पहले भी बताया था मैंने कि ये जो नीचे वाला होता है ये आपका बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और ये ऊपर वाली क्या होती है? पावर होती है। क्या होती है? पावर होती है। इसे हम कहते हैं आधार और इसे हम कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। ठीक, अब इसमें भी ये है कि यदि घातांक जो है, यानी इसे घातांक भी कहते हैं या फिर इसे आप घात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घात भी कह सकते हैं। किसी भी बेस की यदि पावर आ जाए तो वो आपकी क्या कहलाएगी? घातांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घातांक कहलाएगी। इस तरीके से आपका बेस आए और उसकी पावर आए, या मान लीजिए एक्स आ जाए, एक्स की पावर आ जाए, या वाई आ जाए, वाई की पावर आ जाए, जिस प्रकार से ये पावर दिया जाए, यानी ऊपर नीचे बेस आए और ऊपर पावर आए, तो वो आपको क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा। और किसी प्रकार से मान लीजिए कैसे भी 2 की पावर 3 है ना, और 4 की पावर 2 है, इस प्रकार से यदि वो घात के रूप में लिखा जा रहा है तो वो आपका क्या है? नंबर आपका वो है घातांक है। क्या है? घातांक है, यानी वो इंडिसेस है। ठीक, क्या है? इंडिसेस है। अब बात करते हैं आपकी किसकी? करणी की। करणी और घातांक में क्या अंतर है? वही हम बता रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका घातांक। अब बात करें करणी, किसकी? करणी। तो करणी में क्या होता है? करणी में आपका अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए ये है 2 की पावर 5, तो इसे हम करणी के रूप में कैसे लिखेंगे?
फाइव आपका यहां आएगा बिल्कुल छोटा सा और अंदर आपका आ जाएगा टू। ठीक, इसे अगर लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, अंडर रूट थ्री और नीचे आपका बेस में यहां टू। ठीक, इसे लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा आपका टू और यहां आ जाएगा सिक्स। ये वाला जो रूप होता है आपका, ये वाला जो रूप है वो कौन सा हो जाता है आपका, करणी का रूप हो जाता है। कौन सा हो जाता है, करणी का रूप हो जाता है। भाग का रूप कौन सा होता है, ये वाला। ये तो हो गया इन दोनों में अंतर कि ये आगे है कैसे, घातांक क्या है और करणी क्या है, समझ में आ रही बात। ये दोनों में क्या हो गए, अंतर हो गए। क्या हो गए, अंतर हो गए। अब बात करते हैं आपकी घातांक के अंतर्गत कुछ नियमों की या कुछ रूल्स की या फिर कुछ तरीकों की। ठीक, किस प्रकार से इसमें आपके क्वेश्चन आ जाते हैं या पूछ लिए जाते हैं, अब बात करते हैं उसकी। और कल आपकी बात होगी करणी के बारे में, किसके बारे में, करणी के बारे में। देखिए पहली एडिंग जो है वो है आपकी घातांकीय गुणनफल। क्या होता है, घातांकीय गुणनफल। अब गुणनफल से तो आप समझ गए बात कि गुणनफल का मीन क्या है, गुणा करना। क्या है, गुणा करना, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अब बात करते हैं घातांकीय गुणा, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में आपको एक्स की पावर टू गुणा एक्स की पावर थ्री गुणा एक्स की पावर फाइव ये आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, किस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, जिसमें आपका आधार यानी जो बेस है, जो बेस है वो आपका कैसा हो, सेम हो। कैसा हो, सेम हो, यानी समान हो, एक जैसा हो। कैसा हो, एक जैसा हो, एक्स एक्स एंड एक्स, और इनकी पावर आपकी जो है वो है अलग अलग। कैसी हो, अलग अलग हो या आपकी सेम भी हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। क्लियर आ रही है बात, वो कोई इशू नहीं है। वैसे तो आप इसको जानते हैं लेकिन फिर भी एक अच्छे तरीके से सीख लें। कैसे, ये आपका आ गया x, ये आ गया x, ये आ गया x, इसकी पावर आ गई 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 5। तो क्या हो जाएगा कि इन सभी एक्सों को एक बार लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है, एक दो तीन को एक बार लिख दिया और ऊपर वाली जो पावर है वो आपकी क्या हो जाती है, एड हो जाती है। क्या हो जाती है, एड हो जाती है। कैसे हो जाएगी, पांच और तीन आठ और दो दस, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, दस हो जाएगी। यानी ये आपकी घात हो गई और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया, ये घात हो गई और ये आपका आधार। क्लियर आ रही है बात, क्लियर हो रही है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी आपका जो घातांक के गुणनफल है वो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। आपने ये बात सुनी होगी, यानी है भी कि गुणा में यदि आधार समान है, क्या है, आधार समान है, तो घातें आपकी क्या होंगी, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। वही हो रहा है, ठीक वही आपका हो रहा है। यदि आपके आधार समान है, दोनों आधार समान है तीनों, तो उनकी घातें क्या हो गई, जुड़ गई। क्या हो गई, जुड़ गई। आगे देखिए कि किस प्रकार से इसे और कर सकते हैं। आप कहें कि x की पावर 2 था, मैंने अभी किया x की पावर 3 था, इस प्रकार से था तो हमने जोड़ लिया। अब यदि यहां y आ जाए, क्या आ जाए, y आ जाए, तो क्या जुड़ सकती है, नहीं ये जुड़ नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। यदि इन्हें जोड़ के भी लिख दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यदि समान है तो वो जुड़ेंगे। ठीक, घातांक के गुणनफल में और भी आपका आ जाता है, जैसे मान लीजिए एक्स की पावर एक्स स्क्वायर है गुणा वाई स्क्वायर है गुणा एक्स स्क्वायर है गुणा वाई स्क्वायर, इस प्रकार से आपका कोई क्वेश्चन है। ठीक, इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आप हमेशा देखेंगे समान। क्या देखेंगे, समान। समान आधार वाले की जो घाते हैं वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और असमान वाला अलग, यानी इसकी अलग जुड़ जाएगी। समझ में आ रही बात। इस प्रकार से आपका जो है घातांकीय गुणनफल का जो नियम है वो सॉल्व हो जाता है।
ठीक वो सॉल्व हो जाता है। किसी प्रकार से आया कोई भी यदि नंबर डिजिट जो भी है उसमें आपको केवल आधार यदि समान दिखता है तो वो जुड़ेंगी, अन्यथा आपका जो भी है वो सिंपल वैसा का वैसा ही रखा जाएगा। ठीक, चाहे वो आपका 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, है ना, या 2 की पावर 5 हो, इस प्रकार से हो, यानी आपका एक्स के टर्म में हो, वाई के टर्म में हो, या 2 के टर्म में हो, या वेरिएबल नॉन वेरिएबल जिसके भी टर्म में आपका हो वो आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी। जैसे इसकी पावर आपकी जुड़ जाएगी 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8 होगा। क्लियर आ रही है बात, 2 की घात क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। इस प्रकार से भी आप इसमें ऐड करेंगे, बस यही है कि आप नीचे आधार को ध्यान रखेंगे। आधार आपका यदि सेम है कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आपका आधार घाते वाली कोई भी हो लेकिन आधार सेम होना चाहिए, तभी आपकी घाते क्या होंगी, ऐड होंगी। क्लियर है, आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे है आपका सेकेंड नंबर है आपका घातांकीय भार। क्या है, घातांकीय भार। तो ये क्या होता है, अभी बात की हमने गुणनफल की, अब बात करते हैं घातांकीय भार की। घातांकीय भार में क्या होता है, यदि आपकी कोई घात है जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, और बट्टे में आपका एक्स फाइव है, क्या है एक्स फाइव है, तो हम क्या करेंगे इसे ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, वैसे तो ये भी है लेकिन इसे क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, कैसे एक्स स्क्वायर, और ये जो ऊपर जाएगा, मैंने अभी बताया आपको कि गुणा में यदि आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, और भाग में जस्ट यही इसका उल्टा होता है, कैसा, यदि भाग में आपके आधार समान है तो घातें घट जाती है, क्या हो जाता है घट जाती है, कैसे -5 ये हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से यदि आधार समान है तो घातें आपकी घट जाएंगी, क्या हो जाएगा घट जाएंगी। ठीक, तो ये घट के कितना आएगा x माइनस का 3। ठीक, अब देखिए ये 3 आ गया, अब माइनस का 3 है, यदि इसको प्लस करना है तो वो भी आपका नियम है, वो है आपका व्युत्क्रम का नियम। किसका नियम, व्युत्क्रम का नियम या व्युत्क्रम घात का नियम। तो इसके अंतर्गत आप इसको भी सीख लेंगे कि ये प्लस कैसे हो जाता है, अभी आगे वीडियो में बने रहिए, आगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये आपका प्लस कैसे हो जाता है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा 1/x³। अब ये ऐसे नीचे कैसे आया, यदि ऊपर जाएगा तो माइनस और नीचे इस तरीके कैसे होगा, वो हमारे इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपका भाग का नियम है उसमें यदि आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, क्या होती हैं घातें घट जाती हैं, और यदि आधार सेम नहीं है तो आपकी घातें घटेंगी। ठीक, वो कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स 2 है ना, या वाई स्क्वायर इस प्रकार से आ जाए तो वो कोई इफेक्ट नहीं है उसमें, कुछ नहीं होने वाला, मीन्स ये ऊपर तो जा सकती है लेकिन इनका सॉल्यूशन आपस में नहीं हो पाएगा, इनका जरूर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा x⁴ और y² रहेगा। यदि इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा x⁴ और मल्टीप्लाई में y⁻²। ठीक, इस प्रकार से आपका भाग घातांकी जो भाग है वो क्लियर हो जाता है, क्या हो जाता है क्लियर हो जाता है। ठीक, इसमें आपका घट जाएगी और उसमें आपकी जुड़ जाएगी। आगे देखते हैं आपका घातांक घात की घात, कैसी घात की घात। अब घात की घात यानी एग्जांपल किस प्रकार से दिया जाए आपको, किस प्रकार से हो सकता है एक्स स्क्वायर, ठीक ये आ जाए, फिर इसका भी स्क्वायर आ जाए, इस प्रकार से आ जाए आपका घात, फिर उसकी भी घात, और इससे भी बड़ी यदि आ जाए, इससे भी बड़ी आपकी यदि आ जाए तो उसका क्या है, ये घात की घात। ठीक, ये नियम क्या है, घात की घात। तो यदि घात की घात आपकी आ जाए तो आपका क्या होगा, जो घात है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, 2 × 4 × 8 यानी x⁴ कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, यानी x की घात कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी।
इस प्रकार से यदि घात की घात आपकी आती है तो क्या हो जाती है, आपकी गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। आगे देखिए, एक्स वाई और एक चीज आपका जैसे टू वाई, इसकी घात टू है, फिर इसकी भी घात टू है, तो इनका आपका ज्यादातर क्या होगा, आपका टू वाई और इनका क्या हो जाएगा, गुणा टू टू जा फोर। अब ये ब्रैकेट करके यदि घात इस प्रकार से दी हुई है कि ये दोनों पर है, इस पर है, दोनों पर है, यानी ये जो स्क्वायर है ये आपका टू पर भी है और वाई पर भी है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग कर दे, ठीक। जब ये ब्रैकेट पे है तो पूरे पे है, और यदि ये वाई पर ही है, केवल किस पे है, वाई पर, यानी वाई पर ही केवल स्क्वायर है तो सिंपल इसी पर है, ठीक। तो इसे भी आप ध्यान रखें कि जिस पे जो है, अगर ब्रैकेट करके आपका ब्रैकेट करके आपकी घात दी गई है तो वो पूरे पर है, और ऐसा नहीं है, ऐसे दिया हुआ है तो आप उसे पूरा ना मान लें। यदि ब्रैकेट नहीं है तो वो घात आपकी किस पे है, केवल वाई पर है, टू आपका फ्री है, ठीक। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, और घात जो होती है, घात की घात, वो इस प्रकार से आपकी सॉल्यूशन हो जाता है। अभी मैंने आपके क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, ये क्वेश्चन भी आपके अभी सॉल्व होंगे, बस बने रहिए साथ में, ठीक। आगे देखते हैं, आगे नियम क्या कहता है आपका, घातांक गुणनफल हो गया, घातांक भाग हो गया, घातांक की घात होगी। अब बात आती है गुणनफल की घात, कैसी घात, गुणनफल की घात। तो गुणनफल की घात कैसे, यदि मान लीजिए आधार इस तरीके से दिया हो, सेवन की घात थ्री, फाइव की घात थ्री, सिक्स की घात थ्री, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें क्या गुणनफल की घात, गुणनफल हो गया और उसकी घात, यदि इनकी घातें सभी की समान है, कैसी है, समान है, ऊपर की घात यदि आपकी समान है और नीचे अलग अलग आपके बेस यानी आधार अलग अलग है, तो उसे हम क्या कर लेते हैं, उसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी इनकी तीनों की घात कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। अब आप इसका मल्टीप्लाई और उसका तीन बार मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा, क्या हो जाएगा, आंसर आपका निकल आएगा। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, यानी घात की घात जो भी होगी और उसमें आपका यदि घात सेम है तो वो घात सेम एक बार आ जाएगी और आपके आधार साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपकी क्या हो जाती है, गुणनफल की घात हो जाती है। कैसी हो जाती है, गुणनफल की घात हो जाती है। क्लियर होने के बाद इस प्रकार से यदि होती है तो वो आपकी आपस में लिखी जा सकती है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी गुणनफल की घात कहलाएगी। आगे देखिए, आगे है आपका व्युत्क्रम का नियम, किसका नियम, व्युत्क्रम का नियम। तो व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, यदि आपका एक्स की पावर टू है, ठीक, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक्स की घात वन अपॉन टू, ठीक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं घातांक की, तो घात ही आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यदि आपकी x है और आपका 2 दिया हुआ है, इसे आप यदि नीचे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x की घात माइनस का 2, ठीक। व्युत्क्रम की बात यदि घात में आए तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि x q दिया हुआ है तो उसकी घात क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम x 1 अपॉन 3, ठीक। तो इस प्रकार से, और यदि ए दिया हो और बराबर में आपका बी दिया है और इधर आपका टू है, इस टू को उधर यदि ले जाएंगे तो वो आपका वन अपॉन टू में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, वन अपॉन टू में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाती है, व्युत्क्रम का नियम हो जाता है, यानी उल्टा होना व्युत्क्रम का नियम इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है आपका घातांक का शून्य होना। यदि आपकी 2 की पावर 0 है, 4 की पावर 0 है,
एक्स की पावर जीरो है, वाई की पावर जीरो है, हंड्रेड की पावर जीरो है ना, वन थाउजेंड की पावर जीरो है, या मान लीजिए फाइव हंड्रेड की पावर जीरो है। ये सभी यानी जिसके आधार कुछ भी हो, आधार कुछ भी हो, कुछ भी हो लेकिन बट है ना, आधार आपको कुछ भी हो बट आपकी पावर क्या हो, पावर शून्य हो यानी जीरो हो, तो ऐसी घात या ऐसा उसका नियम का जो है वो क्या हो जाता है, उसका मान वन हो जाता है। क्या हो जाता है, वन हो जाता है। यदि किसी भी बेस में कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, और उसकी घात आपकी जीरो दी हो, क्या दी हो, जीरो दी हो, तो उसका क्या मान हो जाएगा, वैसा वन हो जाएगा। क्या होगा, वन। पांच सौ की घात जीरो हो तो भी बनाएगा, वन थाउजेंड की घात जीरो हो तो भी बनाएगा, वन हंड्रेड की घात जीरो हो तो भी बनाएगा, है ना, टू की पावर जीरो हो तो भी बनाएगा। यानी कोई भी नंबर हो उसकी पावर यदि जीरो दी हुई है तो आपका क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, ये आपका पहला नियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से ये कंप्लीट होते जा रहे हैं। इसी के बेस पे आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। आगे देखिए, आगे है आपका घातांक का शून्य नियम हो गया। अब आगे व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम कैसा, कि व्युत्क्रम दिया हुआ है वन अपॉन एक्स की घात दी हुई है टू। ठीक, व्युत्क्रम घात का नियम ये इस प्रकार से दिया हुआ है व्युत्क्रम में, तो इसे ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाने पर माइनस टू हो जाएगी, जैसा कि मैंने बता दिया। ठीक, या एक्स वन अपॉन, यहां अपॉन में आपका वाई आ जाए, बराबर में यदि इसकी घात टू है और इसकी घात भी टू है, इसे ऊपर ले जाना है, इसे नीचे ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाई माइनस टू, और यहां हो जाएगा एक्स माइनस। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। वो वाला आपका नियम क्या हो जाता है, व्युत्क्रम घात का नियम हो जाता है। क्या हो जाता है, व्युत्क्रम घात का नियम। इस प्रकार से आपके ये सातों नियम कंप्लीट होते हैं। ठीक, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कराए जाएंगे। आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन है, अब इन्हें हल करते हैं, कैसे होंगे ये। पहला क्वेश्चन देखिए, बी क्यू ये दिया हुआ है। ठीक, ए बी क्यू सी की पावर फोर, थ्री ए वन, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सी क्यू, ये सभी जो दिए हुए हैं वो आपके मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। किसमें दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि गुणा में यदि आधार समान है तो क्या होता है, घाते आपकी जुड़ जाती हैं। तो ए देखा, ठीक, ए यानी ए और ए सेम है, समान है, तो ए लिख लिया हमने। ठीक है, और ए की घात कितनी है, टू है, यहां कितनी है, वन है, तो टू प्लस वन हो गया। क्लियर आ रही है बात समझ में। आगे आपका बी है, ये वाला बी, और इसके जैसा भी ये है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस टू हो जाएगा। ठीक, आगे आपका सी है और सी ये रहा, तो सी फोर प्लस थ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, फोर प्लस थ्री हो जाता है। बाद में आपके टू एंड थ्री रह जाता है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखिए कैसे होगा, दो तिया छ, ए दो और एक हो गया आपका तीन, बी तीन और दो आपका हो गया पांच, सी चार और तीन हो गया आपका सात। यानी इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक,
मतलब ये है कि आपका इस टॉपिक के अंतर्गत एक भी ऐसा पॉइंट ना रहे जिससे आपको प्रॉब्लम हो। और ये जो चैप्टर मैं आपको करा रहा था, यानी आपके जो चैप्टर चल रहे हैं वो आपके हैं बेस वाले चैप्टर, और ये सारे चैप्टर आपके कैलकुलेशन बेस्ड हैं। यदि ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए तो ये मानिए कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है, और आगे जाकर के जो चैप्टर आने वाले हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि उनमें ये कैलकुलेशन नहीं होती आपकी, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बेस पर आपको कैलकुलेशन होती है। बट इन कैलकुलेशन में ज्यादातर कंफ्यूज रहना होता है कि आगे किस तरीके से क्या होगा, और ये मिस्टेक दे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 12a² b^4 और c³ डिवाइड बाई आपका लिया हुआ है 2ab² c², ये आपका क्वेश्चन है। तो इसे कैसे, अब मान लीजिए ये भाग में है तो भाग में ही लिख लेते हैं b^4 c^2। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, भाग में है। ठीक है, अब मैंने क्या आपको बताया कि इसे ऊपर ले जाएंगे यदि तो आपकी घात क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी माइनस हो जाती है। यदि समान आपके आधार हैं तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, घातें माइनस हो जाएंगी। या और ये आपका 2 से ये आपका भाग लग गया कितनी बार, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। अब ए है जो ए को ऊपर ले जाइए, a² × ए कैसा हो जाएगा, इस पर पावर कितनी है, 1 है, तो ये यहाँ कैसे हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। गुणा आपका बी है, b^4 कितनी है, 4, और यहाँ ये बी कैसी हो जाएगी, इसकी घात -2 हो जाएगी। गुणा आपका सी, यहाँ क्यू है और कैसी इसकी घात हो जाएगी, सी की घात -2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया ऊपर जाकर के आपका। ठीक, अब क्या होगा, 6, ये ए आधार समान है, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 2 - 1। बी घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि आपकी 4 - 2। सी यहां भी आपकी घातें, यानी 3 - 2, ये हो जाता है। अब क्या आएगा आपका, 6a, यहां आपका आ गया 1। 1 को लिखो, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे आपकी आ गई बी, बी की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी घात, मल्टीप्लाई ये सी की घात कितनी है आपकी, 3 - 2, यानी कि क्या हो जाएगी आपकी, 1। 1 को लिखो या मत लिखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी घात यदि 1 है तो उसे आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो बात हो गई जब जब आप ऊपर ले गए घटा दिया, यानी एक जैसा। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी आप भाग लगा सकते हैं, वो कैसे, ए को ए से काट दिया, बी को बी से काट दिया, यानी सी को सी से काट दिया, एक तरीके से काट के भी आप कर सकते हैं भाग के अनुसार। कैसे, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, ये कट गई तो बचा आपका 1, यहाँ 2 थी, यहाँ जैसे मान लीजिए, कैसे करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं कि 12 आपका ये हो गया। ठीक है, ए को आपने 2 बार ओपन कर लिया, बी को भी आपने कितनी बार ओपन कर लिया, 4 बार ओपन कर लिया, बी और बी। ठीक, सी को भी आपने 3 बार ओपन कर लिया, और यहां आपका 2 था, मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया, ए बी एंड बी, और ये सी मल्टीप्लाई सी, ये आपसे क्या हुआ, ओपन हो गए। ओपन होके देखिए सेम जो होते हैं उन्हें आप काट भी सकते हैं, बी से बी, और यहाँ सी से सी, ऐसे इस प्रकार से भी आपके लिए हल हो सकता है। और 2 से ऐसे काट दो 6 बार, तो कितना आ गया, 6a b² और c, 6a b² और c, और नीचे का तो आपका पूरा कट ही गया है, तो यही बात ऐसे भी आपकी सॉल्व हो जाती है। क्लियर है, इस प्रकार से आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो आपके नियम थे उसी पर आधारित कुछ सवाल है, बाकी के मैं आपको कल कराऊंगा और सवाल इसके।
उसके बाद आगे आपका करणी का लेकर के चलेंगे, यानी करणी के कुछ नियम है वो बताएंगे, तब आपके सवाल होंगे जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक, आगे देखिए आपका थर्ड सवाल क्या है, वो है आपका 5 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 125 की पावर आपकी है 0.25। ठीक है, ये दी हुई है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/4 तो है ही, हम इसे क्या कर ले, 5 की पावर 3 हो जाती है, कैसे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 25 125 हो जाता है, तो इसमें कितनी घात आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और ब्रैकेट बड़ा लग के आपकी कितनी घात है, 0.25, क्या है, 0.25। अब देखिए ये वही वाला नियम आ गया जो मैंने आपको बताई थी, घात के ऊपर यदि घात है तो वो क्या हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 5 की घात 1/4 हो गई, और मल्टीप्लाई आपका 5 की घात 25 दिया, ये हो जाएगा आपका 75, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, इस प्रकार से आपका इसका गुणा इसमें हो गया, यानी कि घात के ऊपर कोई भी घात हो और आपका जो आधार है वो दिया हो तो आपकी जो घाते हैं उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये घात आपकी सिंपल सिंपल रहेगी, ठीक, सिंपल सिंपल रहेगी, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होंगे। आगे देखिए ये घात आपकी सेम है, मतलब पर ये आपके जो आधार है वो क्या है, सेम है, और यदि आधार सेम होते हैं तो अभी अभी हमने नियम पढ़ा, यदि आपके आधार सेम है तो आपकी घातें क्या होंगी, एड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, तो 5 1/4 प्लस 0.75, समझ में आ रही बात, इस प्रकार से ये आपका ऐड हो जाएगा, तो आपका केस कैसे आएगा, ये ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए यहां हम 4 से इसमें अगर डिवाइड कर दें तो हमें पॉइंट में दिया है, केस में पॉइंट में, और इसका भी हम चेक कर लें तो इसका और इसका दोनों का ऐड होके जो आएगा, फिर इसे सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी, कैसे, 4 से इसमें यदि मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 4 × 8 और ये बचा 2, और यहाँ क्या हो गया, पॉइंट लगा 0 × 4 = 20, यानी ये आपका क्या आ जाता है, 0.25, क्या आ जाता है, 0.25, तो यहाँ 0.25 आ गया आपका, यानी 1/4 में डिवाइड करते हैं क्या आएगा आपका, 0.25, और प्लस आपका क्या दिया हुआ है, 0.75। अब यदि हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1, कैसे, 5 × 10 = 0 हासिल 1, 7 × 2 = 8, 9 × 1 = 10 हासिल 1, और 1 यहाँ आ जाएगी, यानी इन्हें ऐड कैसे करेंगे, वो भी हम बता देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए, वैसे तो आप जानते ही हो, फिर भी 5 × 10 इस तरीके से, ठीक, ये आ जाता है। अब पॉइंट के बाद यदि 0 चाहे जितने भी हो, मैंने आपको पहले ही बताया है, यदि पॉइंट के बाद 0 चाहे जितने भी हो उनका कोई महत्व नहीं रहता, क्या नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता, यदि 2.000 ऐसे आ रहा है तो आपका जो है वो 2 आपका इम्पोर्टेंट यानी महत्व रखता है, 0 आपका कोई भी महत्व नहीं रखता, और यदि यहाँ 2.200 आ जाए तो आपके ये वाले 0 जो है वो महत्व रखते हैं, यानी कि यदि पॉइंट के बाद यहाँ ऐसे कोई संख्या आ जाए और उसके बगल में आपके 0 आ जाए तो वो आपके 0 महत्व रखेंगे, और यदि ऐसे होंगे तो वो आपके 0 महत्व नहीं रखेंगे, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही सभी के, इस प्रकार से आपका ये ध्यान में रखिए बात, छोटी छोटी बातें जिनसे आपका कैलकुलेशन यानी सवाल आपका गलत हो सकता है, उनमें यदि उन्हें ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, अब 5 की पावर 1 यानी 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर आई बात समझ में, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, आगे आपका है चौथा क्वेश्चन, 1/4
ये है, ये क्या है 1/216 की पावर माइनस 2/3 डिवाइड बाई 1/27 की पावर माइनस 4/3। तो इसे कैसे हल करेंगे देखिए, जैसे किस प्रकार से हल करेंगे, इसकी पावर कितनी है माइनस 2/3, ठीक। तो मैं क्या करूं, यदि मैं 6 का मल्टीप्लाई 6 में फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 में करूं तो 6×36 का आपका कितना आ जाता है 216 आ जाता है, कितना आ जाता है 216 आ जाता है, यानी 216 को मैं 6^3 लिख सकता हूं, ठीक। 6^3 मैंने 216 को लिख दिया, माइनस का 2/3 डिवाइड बाई ये दिया हुआ है आपका 1/27 यानी 27। अब 3×3×3 3×9=27 हो जाता है, कितना हो जाता है 27 हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, घात को क्या करते हैं ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई 8 में और उसका मल्टीप्लाई उसमें हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 27। यानी कि इसे मैं क्या लिखूं 3×3 और इसकी पूरे की पावर क्या है, पूरे की पावर है आपकी माइनस के 4/3, ठीक। ये क्या करेंगे इसमें, आप यदि मैं इस 1×3 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि 1×3 यदि आपकी 100 भी हो और 1×100 से भी आगे और भी आगे हो तो भी आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1×3 कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसकी भी पावर क्यू, इसकी पावर क्यू, इसकी क्यू, इसकी क्यू, तो क्या हो जाएगा ये 1/6 की पावर में क्या करूं क्यू ऊपर ले जाऊं और मल्टीप्लाई में आपका ये दिया हुआ है माइनस का 2/3, ठीक। डिवाइड बाई यहां दिया हुआ है आपका 1/ अब यहां भी ये वाली पावर में ऊपर ले जाऊं तो ये कैसे हो जाएगी 3 और इसकी पावर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है आपको बताया अभी भी मैंने, यदि घात आपकी जो होती है उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाएगा 4/3, ठीक। अब देखिए 3 से आपका 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वाले 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे क्या बचा आपका 1/6 की पावर माइनस का 2 डिवाइड बाई यहां क्या बचा 1/3 की पावर माइनस का 4, ठीक ये बचा। अब इसमें भी क्या होगा, यदि हम इस संख्या को ऊपर ले जाए ऊपर नीचे यानी उल्टा कर दें इसे यहां और इसे यहां तो जो आपकी पावर है वो क्या हो जाती है, यानी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। कैसे, यदि मैं इस 6 1/6 को मैं करूं 6/1, क्या करूं 6/1 यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो उसका साइन जो पावर होती है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक। डिवाइड बाई आपकी दी हुई है 1/3 यानी इसे भी चेंज करूंगा 3×3 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्लियर है। अब देखिए ये जो है आपका 6×2 और नीचे भट्टे में आपकी 3×4, ठीक। अब देखिए इसे क्या करूं 6×6 और इसे 3×3×3×3 यानी 4 बार ओपन कर लिया और 2 बार ओपन कर लिया, अब क्या हो जाता है इससे 3 से ये कट जाएगा 3×6, इससे ये 3 कट जाएगा 3×6, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 2×2=4 और नीचे वाला क्या हो जाएगा 3×9, ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। यानी इस प्रकार से हम जो घात आपकी माइनस की होगी उसे भी चेंज कर सकते हैं, कैसे आपके जो भट्टे की संख्या उसे ऊपर ले जाए इस वाले को नीचे ले जाए तो आपकी घात क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर के आपका इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाता है, क्लियर है, ठीक। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार से सॉल्व हो जाते हैं यदि नियम आपको पता है तो, वरना आप मिस्टेक कर बैठोगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे लास्ट क्वेश्चन रह गया, फर्स्ट एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है वो क्या है, वो है आपका XY की पावर दी हुई है आपकी a-b और XY इसकी पावर आपकी दी हुई है b-c
और यहाँ एक्स वाई और इसकी पावर भी हुई आपकी सी माइनस ए। मैंने आपको अभी क्या बताया, अभी अभी आपको बता के चल रहे हैं यदि आपके आधार समान है तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। पहले तो बात आधार एक होता है, क्या होता है एक आधार होता है, जैसे एक्स की घात टू आ गई, एक्स की घात थ्री आ गई थी तो घातें जुड़ गई थी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो दोनों अलग अलग है, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, तो कैसे? वो भी ऐसे हो सकता है यदि यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई, ये दोनों ही सेम है। हम यहाँ पूरे को मान रहे हैं एक आधार, इस पूरे को हम क्या मानेंगे, आधार। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसी कंडीशन में, यदि दोनों के पावर दी हुई हो तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आधार, एक आधार नहीं मानेंगे। मैंने अभी आपको ये भी बताया कि टू की पावर, टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर यदि थ्री है तो वो इस पर भी है और इस पर भी है, जो नियम था उसके अनुसार वो क्या होगी, दोनों पर पावर होगी, और दोनों पर पावर होगी तो इसी प्रकार से ये दोनों ही आपकी दोनों के ऊपर पावर है। तो यानी ये वाले आधार कैसे है, समान है, एक्स वाई और एक्स, ठीक। तो इनका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। एक बार आप एक्स वाई लिखो और यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी, क्लियर है। आगे क्या होगा, एक्स वाई ये देखिए, अब आपका b और b प्लस माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा एक जैसा है, ठीक। ये c आपका माइनस का है, ये प्लस का है, a माइनस का प्लस का है। अब ये कितनी पावर हो गई, जीरो पावर हो गई, क्या हो गई, जीरो पावर। और अभी अभी आपने शून्य का नियम पढ़ा है, शून्य का नियम क्या कहता है, यदि किसी की भी पावर आपकी जीरो है तो उसका मान क्या हो जाता है, वन हो जाता है, क्या हो जाता है, वन हो जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका हल हो जाता है और आपके सभी नियम फॉलो हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न तरीके से और भी क्वेश्चन है आपके, जो आपके कल कराए जाएंगे इसी आधार पर बेस्ड, यानी आपके किस पर, घातांक। अभी बात किसकी हुई है, घातांक की, आगे किसकी बात होगी, करनी की, ठीक। तो आगे भी आप बने रहिए, और एक अनुरोध है हमारा आपसे कि आप अपने YouTube चैनल रोजगारपुर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और अपने जो भी फ्रेंड हैं, आपके कैसे फ्रेंड हैं, आपके जो भी ऐसे फ्रेंड हैं जो स्टडी यानी पढ़ाई करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते, वो हमारी क्लास फ्री में ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आपको क्या करें, अपने गरीब दोस्तों को भी ये सेंड करें और उन्हें भी क्लास लेने का और आनंद लेने का भरपूर मौका दें, ठीक। तो आपसे अनुरोध है कि शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, ठीक। आज की वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे आपका कल क्या बताएंगे, कल आप